सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जब रिसेंटली सलमान खान को मारने की धमकियां दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई थी, तो उन्होंने अपनी लैंड क्रूजर को आफ्टर मार्केट जाकर बुलेट प्रूफ में अपग्रेड करवा लिया। आज सलमान खान के पास लेक्सस LX 470, पोर्शे कायन, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और मर्सिडीज बेंज GLS क्लास जैसी गाड़ियां हैं, और इनको भी बुलेट प्रूफ करवाया जा सकता था। लेकिन सलमान खान ने सिर्फ लैंड क्रूजर को ही क्यों चूज करा? और इस रेस में सलमान खान अकेले नहीं है जो आर्मर्ड लैंड क्रूजर में घूमते हैं। राहुल गांधी, राज ठाकरे, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे टॉप पॉलिटिशियन और आमिर खान और चिरंजीवी जैसे सेलिब्रिटीज, जब भी इन लोगों को अपने फैंस के पास या आम आदमी के बीच में घूमना होता है तो वो लैंड क्रूजर को ही चूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, यानी कि PM नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब वो नेशनल डे परेड में होते हैं तो वो ज्यादातर रेंज रोवर में दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो पब्लिक के बीच में होते हैं या किसी रैली के बीच में होते हैं तब वो अपनी आर्मर्ड लैंड क्रूजर में दिखाई देते हैं। और ये चीजें सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कई बड़े लीडर्स आर्मर्ड लैंड क्रूजर के अंदर ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और महिंद्रा की आर्मर्ड व्हीकल डिवीजन यानी कि महिंद्रा एमिरेट्स व्हीकल आर्मरिंग तो अपने लग्जरी व्हीकल सेगमेंट में आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए सिर्फ लैंड क्रूजर को ही चूज करती है। तो सिर्फ लैंड क्रूजर को ही क्यों चूज किया जा रहा है? ऐसी तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको आर्मर्ड व्हीकल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इसी सवाल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मकसद इस वीडियो के अंदर आपको आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें बताना है, उनके बारे में ज्यादा एजुकेट करना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि किस किस लेवल के आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, इनको किस किस लेवल पे टेस्ट किया जाता है और उनको तैयार कैसे किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये सारी मॉडिफिकेशन ज्यादातर लैंड क्रूजर में करी जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, इसीलिए हम सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे लैंड क्रूजर की, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है और आपको इसमें बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। लैंड क्रूजर का जन्म हुआ था थार की ग्रेट ग्रैंड मदर विलीज जीप से। दरअसल हुआ यूं कि 1950s में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जंग शुरू हो गई थी, और जब वॉर में साउथ कोरिया को मिलिट्री ट्रक्स की जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने अपने दोस्त साउथ कोरिया की हेल्प करने के लिए मिलिट्री ट्रक्स देने का वादा किया। लेकिन अब इतनी दूर मिलिट्री ट्रक्स लेके जाना आसान तो था नहीं, और दूसरी बात, अमेरिका USSR को नाराज नहीं करना चाह रहा था जो उस समय वॉर के अंदर नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए अमेरिका ने जापान को कहा कि वो विलीज जीप पर बेस्ड एक मिलिट्री ट्रक को बनाए जिससे वो साउथ कोरिया में सप्लाई कर सके, और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जापान साउथ कोरिया से बहुत ज्यादा पास में था। और जनवरी 1951 तक टोयोटा ने मिलिट्री ट्रक का प्रोटोटाइप भी तैयार कर दिया था जिसका नाम था टोयोटा जीप BJ। टोयोटा वाली जीप नॉर्मल जीप से ज्यादा बड़ी थी, ये ज्यादा पावरफुल थी और कैपेबिलिटीज के मामले में भी ऑलमोस्ट सेम ही थी विलीज जीप से। ये गाड़ी इतनी ज्यादा कैपेबल थी कि जुलाई 1951 में टोयोटा के टेस्ट ड्राइवर इशिरो ताइरा ने बीजे के एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोटाइप को माउंट फूजी के 6 स्टेज तक चढ़ा डाला, और इसके साथ ही ये पहली गाड़ी बन गई जो वहां तक पहुंची थी। अब ये सारे टेस्ट जापान के नेशनल पुलिस एजेंसी द्वारा एग्जामिन किए जा रहे थे, और NPA टोयोटा बीजे की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी से इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई कि उन्होंने क्विकली 289 व्हीकल्स का ऑर्डर दे दिया। 1954 में टोयोटा के टेक्निकल डायरेक्टर हांजी ओमेहारा ने ये सोचा कि टोयोटा बीजे जो कि लैंड रोवर जितनी ही कैपेबल है ऑफ रोडिंग के मामले में, तो उसका नाम भी लैंड रोवर जितना ही रुतबे वाला होना चाहिए, और इसीलिए टोयोटा बीजे को यहाँ से नाम मिला लैंड क्रूजर। अब ये जो कोरियन वॉर थी ना, ये तो 1953 में खत्म हो गई थी, लेकिन इस गाड़ी की जरूरत पूरे देश को थी, इसीलिए 1955 में टोयोटा ने लैंड क्रूजर J30 सीरीज को ज्यादा सिविलियंस को अपील करने के हिसाब से बनाया, और इसके अंदर मोर स्टाइलिश बॉडी, बेटर राइड क्वालिटी और स्पेशियस कंफर्टेबल इंटीरियर के साथ एक ज्यादा पावरफुल इंजन दिया, और इस गाड़ी को इतना ज्यादा इंप्रूव कर दिया कि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। स्पेशली इसको अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाना था क्योंकि USA में उस समय ऑटोमोबाइल मार्केट सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही थी पूरी दुनिया के अंदर। और 1958 में जहां टोयोटा लैंड क्रूजर की सिर्फ एक यूनिट बिकी थी पूरे US के अंदर, वहीं देखते ही देखते इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि 1965 आते आते लैंड क्रूजर टोयोटा की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई USA के अंदर। लेकिन मिड 60s तक टोयोटा को यह समझ में आ गया था कि लैंड क्रूजर जो ज्यादातर एक कंफर्टेबल लग्जरी व्हीकल की तरह खरीदी जा रही थी लोगों के बीच में, उसको ऑफ रोड ओनली व्हीकल की तरह बेचकर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता था, और इसी के चलते टोयोटा ने लैंड क्रूजर की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए उसके क्रीचर कम्फर्ट्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना चालू कर दिया, और एक के बाद एक वो नई जनरेशन लाते चले गए, जैसे कि 60s में J50 आई, फिर J60 आई, फिर J80 मॉडल लॉन्च किया गया, और धीरे धीरे हर एक नए मॉडल के साथ इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के साथ साथ इसकी लग्जरी अपील भी बढ़ती चली गई, और फिर 1998 में J100 आई, और तब तक ये गाड़ी अपने पूरे साइज में आ चुकी थी, और अब इसकी तरफ अमीर लोगों का ध्यान और भी ज्यादा जाने लगा था। और आज की डेट में J200 और J300 के बारे में तो हमें पता ही है कि उन्हें कितने सारे VIPs खरीदते हैं। आज सलमान खान के पास जो लैंड क्रूजर है वो J200 सीरीज की गाड़ी है,
जिसको सलमान खान ने आफ्टर मार्केट कस्टमाइजेशन से बुलेट प्रूफ बनवाया है। इसके अलावा पीएम मोदी जो लैंड क्रूजर यूज करते हैं उसके अंदर भी आफ्टर मार्केट आर्मरिंग करवाई गई है। वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी लीडर्स हैं जो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन आखिर यही गाड़ी क्यों? और भी तो बहुत सारी लग्जरी कार्स हैं जिन्हें ऐसा करा जा सकता है, जैसे कि रेंज रोवर जो कि सिमिलर गाड़ियां बनाती है साइज के मामले में और लग्जरी अपील उनसे भी ज्यादा अच्छी है, लैंड क्रूजर से भी ज्यादा उनकी, फिर उसको क्यों नहीं यूज करा जाता? सी, इस सवाल का जवाब बहुत सारे कारणों से मिलकर बना है, लेकिन इस सवाल पर आने से पहले हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक आर्मरिंग होती क्या है व्हीकल की, और ये आर्मर्ड गाड़ियां एक नॉर्मल गाड़ी से कितनी अलग होती हैं, क्योंकि ये जानने के बाद ही हम लैंड क्रूजर वाली बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। एक कैनेडियन सिक्योरिटी कंपनी और वर्ल्ड फेमस आर्मर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इनकास के अनुसार एक रेगुलर व्हीकल को आर्मर्ड व्हीकल में बदलने के लिए 4 मेजर अपग्रेडेशंस किए जाते हैं। एक आर्मर्ड व्हीकल कार के फ्रेम में जो पहली चीज ऐड करी जाती है वो होती है बैलिस्टिक ग्रेड स्टील। बैलिस्टिक ग्रेड की बेस्ट चीज ये होती है कि वो किसी भी बुलेट को या अदर एक्सप्लोसिव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण अंदर बैठे पैसेंजर्स को हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। सेकंड चीज जो ऐड करी जाती है वो होता है बैलिस्टिक ग्लास। एक आर्मर्ड कार में हर जगह बुलेट प्रूफिंग ग्लास लगाया जाता है, जो कि काफी डिफरेंट होता है टिपिकल कार के ग्लास से। विंडोज को लेडेड ग्लास और पॉलीकार्बोनेट सब्सट्रेट के मिक्स से बनाया जाता है। इससे होता यह है कि जब भी कोई साइड विंडो, विंडशील्ड और रियर विंडो पर अटैक करता है तो वो टूटती नहीं है, बल्कि इस एनर्जी को इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। जो तीसरी चीज ऐड करी जाती है एक आर्मर्ड कार में वो होते हैं उसके रोबस्ट बम्पर और टायर्स। आर्मर्ड व्हीकल में बड़े ही हैवी बम्पर्स और पंचर प्रूफ ब्लास्ट प्रूफ टायर्स को यूज किया जाता है। और जिस चौथी चीज की इन गाड़ियों को जरूरत पड़ती है वो होती है रीबिल्ट मैकेनिज्म्स। अब जब गाड़ी के अंदर इतना सारा स्टील और ग्लास ऐड किया जाता है तो इस वजन को ढोने के लिए गाड़ी में मॉडिफाइड ब्रेक्स, सस्पेंशन और इंजन कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। और क्योंकि ये गाड़ियां बहुत ज्यादा भारी हो जाती है आर्मरिंग की वजह से, ये चलाने में भी अलग फील होती है। अब इन सभी चेंजेस करने के बाद इन गाड़ियों को बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट होता है बैलिस्टिक टेस्ट, जिसमें कि इस गाड़ी के ऊपर एक्चुअली में हाई पावर असॉल्ट राइफल से फायर किया जाता है। और दूसरा टेस्ट होता है ब्लास्ट टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर गाड़ी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ग्रेनेड्स लगाकर ब्लास्ट किया जाता है, जैसे ही गाड़ी की रूफ के ऊपर, गाड़ी के नीचे और अलग अलग जगहों पर। इन टेस्ट के दौरान गाड़ी के अंदर डमीज को रखा जाता है, जैसे एनकैप के अंदर रखा जाता है, और टेस्ट किया जाता है कि इन डमीज पर इन अटैक्स का कितना ज्यादा असर पड़ता है, ताकि पैसेंजर्स की सिचुएशन को मिमिक किया जा सके। इन टेस्ट के बाद गाड़ी की सर्वाइवेबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है कि एक्चुअली में जब ऐसा हमला होगा तो वो गाड़ी क्या चलने लायक बचेगी कि नहीं। अब जब इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं तो लास्ट आउट के अंदर गाड़ी को सर्टिफाई किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये गाड़ी कितने खतरनाक हमले को झेल सकती है। जैसे कि इनकास के द्वारा मॉडिफाई करी गाड़ियां 5.56 mm और 7.62 mm की बुलेट के 780 राउंड्स को झेल सकती है। इसके अलावा ये कई सारे ग्रेनेड अटैक को भी झेल सकती है और आराम से सरवाइव कर सकती है। लेकिन इसके अंदर भी एक लेवल होता है जिसे बैलिस्टिक प्रोटेक्शन बोला जाता है, जो कि B1 से B7 तक जाता है, जिसमें ये पता लगता है कि गाड़ी किस साइज की बुलेट के राउंड्स को झेल सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो सलमान खान की आर्मर्ड व्हीकल है और जो पीएम मोदी का आर्मर्ड व्हीकल है उनका लेवल सेम हो, मतलब प्रोटेक्शन के अंदर। हो सकता है पीएम मोदी गाड़ी ग्रेनेड्स को और माइंस को भी झेल सके, लेकिन सलमान खान वाली गाड़ी ना कर पाए ऐसा। नाउ जब हम ये समझ चुके हैं कि ये एक्चुअली आर्मरिंग का फंडा क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरी एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, ऑक्यूपेंट्स की जान बचाना। और यहाँ पर सिर्फ आर्मरिंग से काम नहीं चलता है, क्योंकि कई बार गाड़ी को बम फटने के बाद भी लगातार भगाते रहना पड़ता है, और इसीलिए किसी भी कार के बजाय एजेंसीज अपने VIPs के लिए एक लैंड क्रूजर को ही चूज करती हैं, क्योंकि ये कार बहुत ज़्यादा पावरफुल और टॉर्की होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। क्योंकि अगर किसी भी सिचुएशन में गाड़ी खराब होती है या फिर किसी भी अनहोनी की वजह से उसको रुकना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है एक VIP के अंदर जो कि उसके अंदर ट्रैवल कर रहा है। और यहीं पर लैंड क्रूजर काम आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, और टोयोटा का हाथ तो वैसे भी कोई नहीं पकड़ सकता है रिलायबिलिटी के मामले में। और इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी चार्ट, फिर चाहे वो चार्ट फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया हो या JD पावर के द्वारा। लेकिन वहीं अगर हम बाकी ब्रांड्स को देखें जो ऐसी लग्जरी SUVs बनाते हैं, जैसे कि लैंड रोवर और बाकी जर्मन ब्रांड्स, तो वो रिलायबिलिटी चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं। अब ये तो रही ब्रांड्स की बातें, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलर मॉडल्स की बात भी करूँ तो लैंड क्रूजर दुनिया की सबसे ज़्यादा रिलायबल कार मानी जाती है। और इस बात का पता हमें इसी कार नाम की एक यूज्ड कार सेलिंग वेबसाइट से भी पता लगता है, जिसने 15 मिलियन कार्स के ऊपर स्टडी किया और ये जाना कि कौन सी कार्स को उसके ओनर्स एक बार खरीदने के बाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं। और जानते हो इस लिस्ट में टॉप किसने करा? यस, लैंड क्रूजर ने।
और यही नहीं, इस टॉप 10 की लिस्ट में चार व्हीकल तो टोयोटा के ही थे, और इन सब बातों का कारण ऑब्वियसली टोयोटा की रिलायबिलिटी ही है। लेकिन जब आप ऐसी किसी गाड़ी में इतनी ज्यादा आर्मरिंग करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि उस गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके लिए उसके सस्पेंशन और इंजन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एड ऑन्स होते हैं, उस गाड़ी का खुद से ही बहुत ज्यादा डिपेंडेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसीलिए लैंड क्रूजर इज द प्राइमरी चॉइस ऑफ मेनी एजेंसीज। यहाँ तक कि महिंद्रा की आर्मरिंग डिवीजन, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, उनकी वेबसाइट पर भी इसके बारे में लिखा गया है। और क्योंकि लैंड क्रूजर इतनी ज़्यादा रिलायबल कार है, इस गाड़ी के रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं टूटती है। इवन दो लोग 1-1 लाख किलोमीटर चला लेते हैं, तब भी ये गाड़ी 1-1.5 करोड़ में बिकती है। और आज लैंड क्रूजर की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसका वेटिंग पीरियड 4 साल तक जा चुका है। अगर मान लो आप एक रेंज रोवर लेने जाते हो तो उसका मैक्सिमम 1-1.25 साल के आसपास रहता है, लेकिन इस गाड़ी का मिनिमम 3.5 साल चल रहा है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर। और यही सब कारण है कि पीएम मोदी और अदर टॉप पॉलिटिशियंस लैंड क्रूजर के अंदर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पर पीएम मोदी अपनी गाड़ी खुद चूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ये जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की, और एसपीजी ने ही पीएम मोदी के लिए इस गाड़ी को कैपेबल माना है। तो आप खुद सोचिए गाड़ी कितनी ज़्यादा कैपेबल है आफ्टर आर्मरिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।